तो सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। यहाँ सामने छोटी सी स्क्रीन दी हुई है और यहाँ स्वैप करेंगे तो यहाँ ये अभी ऑटो पे सिलेक्ट है। अगर आपको मैन्युअली अपनी इसकी सेटिंग चेंज करनी है, अपेचर चेंज करना है, आईएसओ चेंज करना है, वाइट बैलेंस चेंज करना है, तो ये कुछ टाइमर्स हैं इसके अंदर। और यहीं अगर आप रेशियो में जाके 16:9। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं अपने पहले एक्शन कैमरा के लिए जिसका मैं ऑलमोस्ट पिछले 5 साल से वेट कर रहा था। तो फाइनली वो एक्शन कैमरा मैंने आज बाय कर लिया है। वो एक्शन कैमरा है Insta360 Ace Pro। ये एक्शन कैमरा है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्यों मैंने Insta360 Ace Pro ही लिया, GoPro 12 क्यों नहीं लिया इसमें। क्योंकि ये अभी तक का मैंने खूब सर्च किया, R&D करी, अभी तक का सबसे बेस्ट एक्शन कैमरा है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ, उसके बाद इसमें दिखाता हूँ क्या क्या एसेसरीज मिलती है आपको और इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको GoPro 12 में भी नहीं मिलेंगे। तो वो सब चीजें एक्सप्लोर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग आपको यहाँ से थोड़ा फ्लिप करके आप इसको करेंगे तो अंदर देखेंगे तो सबसे पहले कैमरा है, Insta Ace Pro कैमरा है। इस कैमरे को मैं थोड़ा अभी 2 मिनट के लिए साइड में रख देता हूँ। ये एसेसरी बॉक्स है, ये एसेसरी बॉक्स निकाल लेते हैं हम। और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता है, ये कैमरे के लिए एक छोटा सा इन्होंने केस दिया था बस। ये इसको बॉक्स को थोड़ा साइड रखते हैं। अब देखते हैं एसेसरीज में क्या क्या मिलती है हमें। तो एसेसरी में 2 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, एक आपका बुकलेट है, ये बुकलेट भी निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ क्या क्या एसेसरीज है वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो मैं पहले इन एसेसरीज को निकाल के थोड़ा सा मैं साइड में रख लेता हूँ, तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये Insta360 के बोर्ड के स्टिकर मिलेंगे। यहाँ पे कुछ स्टिकर्स दिए हुए हैं, ये कुछ स्टिकर्स हैं, ये बुकलेट है, ये यूजर गाइड है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपकी जो कैमरे की जितनी भी फंक्शनिंग है आप इससे पढ़ के समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ एसेसरीज में क्या क्या है इसमें। एसेसरीज में सबसे पहले एसेसरीज आपकी आती है ये, इसमें ये एक माउंट दिया गया है, ये माउंट दिया गया और ये स्क्रू दिया गया है। आप इसमें अपना कैमरा फंसा के आप अपने गाड़ी के बोनेट पे, गाड़ी के पीछे आगे साइड में कहीं भी लगा के ये स्टिकर देख रहे हैं आप, इसको पील करेंगे ना तो ये सक्शन कप होता है, सक्शन कप की तरह चिपक जाएगा और आप अपने आराम से कोई भी एंगल के साथ वीडियो शूट कर सकते हैं। पहली एसेसरीज ये होती है, इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। सेकंड एसेसरीज में आती है आपकी केबल। केबल बहुत अच्छी है, Type-C to Type-C केबल है ये और थिक केबल है। Insta360 की ब्रांडिंग है यहाँ पे केबल है और ये वेलक्रो दिए गए हैं, आप अपने केबल को फोल्ड करके या अनफोल्ड करके भी यूज कर सकते हैं एज पर योर नीड। और तीसरी एसेसरीज है आपकी इसमें ये छोटा सा माउंट है, ये माउंट है, ये कैमरे के नीचे मैग्नेटिकली चिपक जाता है जिसमें आप इसको किसी भी ट्राइपॉड पे यूज कर सकते हैं। तो माउंट को लगाने का तरीका क्या है जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, यह Insta360 की ब्रांडिंग है तो ये आपका कैमरा है, ये आपके फ्रंट में रहेगा, आपको ये मैग्नेटिकली चिपक जाएगा, थोड़ा सा कट की आवाज आएगी वो जरूर इंश्योर कर लीजिएगा। देखिए अब इसको आप हिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, देखिए ये गिरेगा नहीं। तो ये एक्शन कैमरे का माउंट होता है, ये Insta360 के साथ ही आता है। अब इसको आप ये जो कप दिया गया है आप इसमें इसको लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये लगा के ये स्क्रू के साथ आपको उसको टाइट करना पड़ेगा, ये हम स्क्रू के साथ इसको टाइट कर देते हैं और ये कुछ इस तरह से करके आपका ये एक्शन कैमरा लग जाता है। अब इसको आप अपने किसी भी सरफेस पे लगा के, मतलब अगर आप इंडोर शूट करते हैं, जो भी फर्नीचर है, जो भी टेबल है, आप उस पर इसको यूं रख के भी शूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इस एक्शन कैमरा के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। यहाँ सामने छोटी सी स्क्रीन दी हुई है, ये मेन लेंस दिया गया है, ये लाइका का लेंस है। अगर आपको पता होगा तो लाइका के जो लेंसेज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े DSLR में यूज होते हैं, तो इंस्टा ने लाइका के साथ टाई अप किया है और ये लाइका का लेंस है जो सबसे अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। ये 1.3 इंच का सेंसर है इसके अंदर और यहाँ लाइका के ऊपर ब्रांडिंग लिखी गई है। यहाँ इसका शूटिंग बटन है, ये यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साइड में आते तो साइड में इसका पावर बटन है, छोटा सा कंपार्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो Type-C कनेक्टर है आपके पास, Type-C से चार्ज होता है और इसका ये कार्ड स्लॉट है, यहाँ कार्ड स्लॉट है। बैटरी कंपार्टमेंट इसमें यहाँ पर है, आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ अंदर बैटरी दी गई है, ये बैटरी है, आप इसमें से इसको पकड़ के यहाँ खींच भी सकते हैं, ये बैटरी है, ये बैटरी का कंपार्टमेंट है। तो सबसे अच्छी बात इसके एक्शन कैमरा में ये है कि GoPro की तरह नहीं है कि आपको सेम बैटरी कंपार्टमेंट में कार्ड स्लॉट भी दिया गया और चार्जिंग स्लॉट भी दिया गया, बट नहीं। और यहाँ पीछे ये स्क्रीन दी गई है और सबसे मेन और सबसे अच्छा फीचर इस एक्शन कैमरे का वो यही है जो अभी तक किसी एक्शन कैमरा में नहीं मिला, वो ये है आप ये जो 2 बटन देख रहे हैं आप इसको प्रेस करके इसकी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। मतलब आप ये देखिए, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप ऐसे अपने आप को सामने देख सकते हैं, मतलब मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सामने ही मैं देख सकता हूं मेरा एंगल क्या है, कैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात इस स्क्रीन की ये है कि इसमें एक हिंज दिया गया, अगर आपको लो एंगल शॉट भी लेना है तो आप नीचे जाके, आपको पूरा नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन को ऐसे रखिए और ये पूरा नीचे लो एंगल का भी शॉट ले सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर छोटे से एक स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर दिया गया, आप इसको निकाल दीजिए, स्क्रीन पे भी दिया गया होगा, कभी निकाल देते हैं हम, ये निकाल देते हैं।
हैं। अब कैमरे को ऑन करने की बारी है, हम इसको ऑन करते हैं। जैसे आप ऑन करेंगे तो देखिए सामने एक लाइट ब्लिंक होगी, ये लाइट आपको बताती है, देखिए एक छोटा साउंड भी आएगा। इसी छोटी स्क्रीन पे आप सब चीज देख सकते हैं, लाइट है। जब जैसे आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग के टाइम ये लाइट ब्लिंक करेगी, रेड लाइट ब्लिंक करेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये रिकॉर्डिंग पे है। अगर मान लीजिए आप ऐसा कोई भी शॉट ले रहे हैं जिसमें आपकी स्क्रीन पीछे और आपके सामने एक कैमरा है, तो आप सामने से देख सकते हैं कि लाइट ब्लिंक कर रही है, दैट मींस ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर मैं अभी रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करूंगा तो ये स्क्रीन पे पॉपअप मैसेज आएगा एसडी कार्ड के लिए। तो इसके लिए मैंने एक एसडी कार्ड परचेज किया है। तो चलिए इसके बाकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इस एक्शन कैमरा का एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि अभी ये कैमरा ऑफ है, मैंने इसको ऑन नहीं कर रखा है। और मान लीजिए कभी ऐसी जगह गए और जहां इंस्टेंट आपको कोई शूट लेना है, क्योंकि नॉर्मली कैमरा ऑन होने में एक दो सेकंड लगाता ही लगाता है, तो अगर आपको एकदम इंस्टेंट शूट लेना तो कुछ नहीं है, कैमरा ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये शूटिंग बटन प्रेस कीजिए और ये रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। बस ऑफ में ही जस्ट आपको रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करना है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ रेड लाइट ब्लिंक कर जाएगी, जब अगर आपका एसडी कार्ड लगा होगा तो रेड लाइट ब्लिंक कर जाएगी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे रिकॉर्डिंग का बटन जैसे आपकी पूरी हो जाती है, आप इसको प्रेस कीजिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इस एक्शन कैमरे के कुछ फीचर्स के बारे में। ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप अगर जो भी आपका मोड सेलेक्ट होगा, जिसमें भी आपके मोड में वीडियो शूट हो रही होगी, वो आपको यहाँ मेंशन हो जाएगा। जैसे मैंने 4K 30fps में वीडियो शूट अभी मोड सेलेक्ट कर रखा है, वो दिख जाएगा। ये जूम का है, अगर आप स्क्रीन को डबल टैप करेंगे तो जूम हो जाएगा, डबल टैप करेंगे जूम आउट हो जाएगा, जिससे आपकी वीडियो की जो क्वालिटी वो रिड्यूस नहीं होगी। ये कुछ मोड दिए गए हैं एक्शन कैमरा के, आप इसे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्शन व्यू है, ये जनरली साइकिंग साइकिलिंग एंड ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है। अल्ट्रा है जिसमें आपका थोड़ा एंगल जो है अल्ट्रा हो जाएगा। ये डी वैप है जिसमें माइनस डिस्टॉर्शन होगा, मगर इसमें जो जिसमें लिखा भी है आप पढ़ सकते हो, साइकिंग और ब्लॉगिंग के लिए ही यूज होता है। और चौथा ये हॉरिजॉन्टल लॉक है, तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं जब मैं ब्लॉगिंग करूंगा तो मैं अपना हमेशा अपने कैमरे को एक्शन पे रखूंगा। आप पीछे चलते हैं, पीछे ये बैटरी का सिंबल है, यहाँ आपको बैटरी का परसेंटेज दिख जाएगा, कितने बैटरी बची हुई है। यहाँ AI का फीचर है, जैसे अगर आपने AI ऑन कर रखा होगा तो AI दिख जाएगा। यहाँ SDR अगर ऑन होगा तो आपको SDR दिख जाएगा। और यहाँ कार्ड स्लॉट है, जैसे अभी कार्ड नहीं है मेरे में तो यहाँ कार्ड अभी नहीं दिखा रहा, यहाँ कार्ड का स्लॉट है। बाकी अगर आपको मोड चेंज करने, अगर आपको फोटो वीडियो से फोटो या फोटो से वीडियो में जाना है, तो थोड़ा सा प्रेस करके साइड में कीजिएगा, ये फोटो है। तो फोटो में ये मैक्सिमम 48 मेगापिक्सल ले सकता है। ऊपर जाएंगे तो देखिए फॉर्मेट है, आप किसी भी फॉर्मेट में, इसमें तीन फॉर्मेट दिए गए हैं, JPG, प्योर शूट प्लस रो, आप जिसमें भी शूट करना चाहें उसमें शूट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर आपको रेशियो का, अगर आप 4:3 पे आप फोटो खींचते हैं तो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो मिलेगा 48 मेगापिक्सल का मिलेगा और 12 मेगापिक्सल का मिलेगा। आप इसमें टाइमर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइमर पे आप वीडियो शूट करना चाहते हैं अगर आप अपने कैमरे से दूर है, तो ये कुछ टाइमर्स हैं इसके अंदर। और वहीं अगर आप ये रेशियो 16:9 में लेके चलते हैं तो आपको जो रेजोल्यूशन है वो 36 मेगापिक्सल का हाईएस्ट मिलेगा और 9 मेगापिक्सल का मिलेगा। सेम वो नीचे टाइमर दिए गए हैं सब कुछ, आप इसमें 9 मेगापिक्सल और 36 मेगापिक्सल में 16:9 में फोटो ले सकते हैं। अगर आप 4:3 में कर सकते हो तो मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन मिलेगा 48 मेगापिक्सल का मिलेगा और 12 मेगापिक्सल का मिलेगा। बाकी इसके मोड के बारे में बात कर लेते हैं। ये एसडीआर फोटो है, आप एसडीआर में भी फोटो खींच सकते हैं। ये वीडियो मोड है जो नॉर्मल वीडियो शूट करने के काम आता है। सबसे अच्छा फीचर जो है वो ये है प्योर वीडियो मोड, ये एक फीचर काम आता है नाइट में जो इसकी पावर है वीडियो कैप्चर करने की, लो लाइट में भी सबसे अच्छी वीडियो कैप्चर करके दिखाता है ये आपको। और बाकी मोड की बात करें तो ये फ्री फ्रेम वीडियो मोड है, इसमें क्या होगा आपकी जो वीडियो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों में शूट होगी, सो दैट आप पोस्ट प्रोडक्शन में जब आप एडिटिंग करने बैठे तो अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल निकाल सके, उसी में से हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल निकाल सके। बाकी टाइम शिफ्ट है, टाइम लैप्सेस है, लूप रिकॉर्डिंग है, स्लो मोशन है, बहुत सारे फीचर्स हैं। ये सारे फीचर्स मैं अपने आने वाली वीडियो में जब इसकी मैं सेट पूरी ओवरऑल फंक्शनिंग की वीडियो बनाऊंगा तब मैं इसमें इसके सारे एक्सप्लोर करूंगा, तब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बाकी इसमें कुछ प्रीसेट दिए गए हैं, प्रीसेट में आप बाइकिंग, साइकिलिंग, सफरिंग, ये कुछ ड्राइविंग, कुछ मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। व्लॉगिंग के लिए आप ये है, और अगर आपको खुद का अपना एक प्रीसेट बनाना है तो आप इस पे प्लस पे आइकन क्लिक करेंगे और ये कस्टम वन को सेलेक्ट करेंगे और सेव कर लेंगे। आप मान लीजिए कि आपने एक सेटिंग अपने व्लॉगिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया है कि आप जब भी कैमरा ऑन करें तो इसी सेटिंग को हमेशा ऑन वो रखें, तो आप इस प्रीसेट को भी सेव कर सकते हैं जिसमें आपकी जो वीडियो 4K 30fps में 16:9 में शूट होगी, सब कुछ ऑटो सेलेक्ट है, मतलब जो भी है आप इसको एज अ सेव कर सकते हैं। तो आपका देखिए कस्टम C1 करके क्या आ गया। तो जब कभी भी आपको अपने बनाए कस्टम पे ही वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो हमेशा इस पे जाइएगा, कस्टम 1 सेलेक्ट कीजिएगा और आपके जो डिफॉल्ट सेटिंग जो आपने सेट की थी, और यहाँ C1 लिखा भी आ जाएगा, आप ऊपर देखेंगे तो C1 लिखा भी आ जाएगा, तो हमेशा आप ही की बनाई हुई सेटिंग पे ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा। अब बात करते हैं इसके मोबाइल ऐप की, जो Insta360 का मोबाइल ऐप है जिससे ये कैमरा सिंक होता है, और ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो चलिए स्विच करते हैं सीधा इसके ऐप पर। अब आपको जाना है अपने फोन में, आपके पास एंड्रॉयड हो या आईफोन दोनों फोन के लिए ये ऐप अवेलेबल है। पहले आना आपको प्ले स्टोर पे,
यहाँ लिखना है आपको Insta360। ये जो ऐप है ये ही इंस्टॉल कर रहे हैं। सो मेरे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन करूंगा। तो सबसे पहले इसमें ऐप में आपको अपना एक्शन कैमरा कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए आप इस बीच वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ये जो कैमरे का आइकन बना है, बीच वाले ऐप पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप कंसेंट देंगे, यहाँ आप अपना वाईफाई ऑन करेंगे, ये आपके कैमरे को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इसमें आ गया एस प्रो, मेरा यही एक्शन कैमरा है। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके आ जाएगा न्यू फर्मवेयर फाउंड, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट डाउनलोडिंग पे लगा दीजिएगा। तो जैसे फर्मवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे आप एक्शन कैमरा में भी इसके अपडेशन चलने लग गया। तो अपडेटिंग फर्मवेयर आ रहा है 71%। तो ये दोनों में मतलब जैसे पूरा सॉफ्टवेयर इसमें जो भी है फर्मवेयर वो अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों फर्मवेयर अपडेट हो चुका है, देखिए इसमें लिखा अपडेट सक्सेसफुल। तो टैप टू कैमरा पे हम कनेक्ट करेंगे, दोबारा से कैमरा से कनेक्ट होगा। तो यहाँ कनेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज शो हो रहा है कनेक्ट टू द 360 ऐप, यहाँ कंफर्म करेंगे। यहाँ पर भी कुछ ही देर में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्शन कैमरा आपके फोन से कनेक्ट हो चुका है। आपने जितनी भी रिकॉर्डिंग करी होगी वो यहाँ नीचे एल्बम में दिखा देगा। ये मेन कैमरा का फीचर है। यहाँ पे आप इसी फोन से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप अपना मोड्स चेंज कर सकते हैं, आपको डिफरेंट 8K में वीडियो शूट करनी है, मतलब आप फोन से भी वही सारे काम कर सकते हैं जो इस एक्शन कैमरा से कर सकते हैं। आप अपना एंगल ऑफ व्यू देख सकते हैं, इसमें आपको दिखा देगा। जैसे मैं आपको एक बार देखिए, आप वर्टिकल में शूट करना, देखिए वर्टिकल में ऐसे शूट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल में शूट करना चाहते हैं आप ऐसे शूट हो जाएगी। तो आप सब कुछ अपने फोन से ही रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ जो भी आपको मैंने बताया था जिसमें ऑटो मैनुअल है, आप अगर अपना खुद का एक्सपोजर ISO वाइट बैलेंस खुद का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जनरली ऑटो पे ही रखता हूँ इस चीजों को। तो यहाँ से कुछ सेटिंग्स हैं, सेटिंग में आप रिकॉर्डिंग लेंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने सेकंड की या कितने मिनट की वीडियो बनानी है। जैसे अगर आपको रील शॉर्ट बनानी है तो आप 15 सेकंड की भी बना सकते हैं, 30 सेकंड की भी बना सकते हैं, आप 1 मिनट की भी, 3 मिनट की, डिफरेंट डिफरेंट इसमें टाइम स्लैब दिए गए हैं। आप जितने मिनट की भी वीडियो बनाना चाहें उतने मिनट की वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली कैमरा रिकॉर्डिंग करना स्टॉप कर देगा। यहाँ आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर देखिए, मैंने जैसे अभी मेमोरी कार्ड डाल रखा है इसके अंदर, तो दिखा रहा है कि आप 6 घंटे 14 मिनट तक इसी जो आपने रेजोल्यूशन सिलेक्ट किया उसमें आप इतना वीडियो शूट कर सकते हैं। इसी के नीचे आपका बैटरी का परसेंटेज भी दिखाएगा, जो आपकी कैमरे की बैटरी का परसेंटेज है, कितने परसेंट बैटरी बची है वो भी दिखाएगा इसके अंदर। मैं कुछ पीछे चलता हूँ, ये कुछ रिकॉर्डिंग है जो मैंने यहाँ शूट की थी इसके एक्शन कैमरा के साथ। आप बाकी इसमें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो इस एक्शन कैमरा को सबसे यूनिक बनाते हैं। तो उस फीचर के लिए आपको एडिट ऐप में जाना है। आपने जो भी वीडियो शूट करी है आप यहीं से उसको एडिट भी कर सकते हैं इसी ऐप के थ्रू। तो जिसमें सबसे बढ़िया ऐप है वो AI रैप है। आप अपनी नॉर्मल वीडियो को AI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फीचर को आपको यूज दिस थीम करना है, जिसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए ID बनानी पड़ेगी। ID बनाने के बाद आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इसे एक एक करके खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं तो मेरी अगली वीडियो तक का वेट कीजिए, मैं सब चीजें उसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये इसकी कुछ बाकी एक्सेसरीज है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये जैसे इसका कवर है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए कवर है। ये इसका माइक अडेप्टर है, क्योंकि जब आप व्लॉगिंग करेंगे तो माइक तो लगाना पड़ेगा। माइक लगाने के लिए इसमें आपको एक डेडिकेटली माइक अडेप्टर खरीदना पड़ेगा। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों घबराइएगा मत, आएगी इसकी भी वीडियो। ये माउंट है, ये माउंट बेसिकली इस माउंट को रिप्लेस करेगा। वो कैसे करेगा और क्यों मैंने ये माउंट मंगाया वो भी अगली वीडियो में आएगा, वही बताऊंगा। ये इसका केस है, जब आप एक्शन कैमरा यूज नहीं कर रहे होंगे तो आप इसको केस में रखेंगे तो दैट आपका एक्शन कैमरा सेफ रहे। और ये है वो माइक जिससे आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे, जब आप अपने हेलमेट से व्लॉगिंग करेंगे तो माइक की जरूरत पड़ेगी। ये माइक है और ये एक छोटा सा माउंट है, ये इस ट्राइपॉड के लिए है। और ये है मेन माउंट जो मैं अपने हेलमेट के आगे लगाऊंगा, जो मेरे इस एक्शन कैमरा को होल्ड करेगा जब मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और ये है टेम्पर्ड ग्लास, ये बेसिकली लैमिनेशन है आपकी। ये पूरा सेट आता है आपकी इस लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, छोटे लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और बड़े लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी लैमिनेशन है। और मैं दोस्तों आपको सही बताऊं तो ये एक्सेसरीज भी अभी कम है। इसकी कुछ और मेन एक्सेसरीज हैं जो इंडिया में नहीं मिलती है, उसको मैंने बाहर दुबई से मंगाया। तो जैसे वो एक्सेसरीज आ जाएंगी तभी एक साथ पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, उसी वीडियो में आपको सारी इस एक्शन कैमरा की एक्सेसरीज देखने को मिलेगी। बट अभी के लिए मैं आपको इस वीडियो में ये वाला माउंट लगा के जरूर दिखाऊंगा, ये ताकि अगर आपको कल को व्लॉगिंग करनी हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस एक्शन कैमरा को होल्ड करने के लिए कौन सी एक्सेसरीज नीड है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करता हूं और मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूं। तो ये जो माउंट है ये बेसिकली एक्शन कैमरास के लिए ही बने होते हैं और ये मुझे 399 का पड़ा है। ये एक्शन प्रो का माउंट है। ये हेलमेट है, आप हेलमेट में मेरे देखेंगे तो एक इंटरकॉम लगा हुआ है। और इस माउंट को लगाने के लिए मैंने ये एक चिन माउंट लगाया, ये ब्लू आर्मर का चिन माउंट है। ये मेरा माउंट इसी में लगेगा और इसी के थ्रू मेरा एक्शन कैमरा लगेगा, जस्ट कुछ ही देर में आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। तो मैंने इन सब की डेडिकेटली अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है दोस्तों, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। इस एक्शन कैमरा को 2 मिनट में साइड में रखता हूँ, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, जल्दी से ओपन कर लेते हैं, देखिए इसमें क्या निकलता है। ये पैकेट है, इसको हम थोड़ा साइड रखते हैं। तो ये वो माउंट है, ये कुछ गिफ्ट वाउचर के बारे में बता रहा है। आप रिव्यू दो अमेजोन पे आपको 50 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, तब आप करना चाहते करके देख सकते हैं, आपके ऊपर है। ये बेसिकली वो माउंट है, बहुत स्टडी है, बहुत टफ है, देखिए इतने इजिली मुड़ेगा नहीं। इसके साथ ये माउंट मिलता है और ये 3mm की टेप मिलती है। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ,
कहाँ यूज करना है। पहले आपको मैं ये लगा के दिखाता हूँ, तो मैं इसको एज अ स्ट्रेट ही यूज करने वाला हूँ अपने हिसाब से। मैं इसको यूं यूज करूंगा, ये यूज करूंगा। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, देखो ये ऐसे नहीं लगेगा, इससे पहले आपको ये चिन माउंट लगाना पड़ेगा। तो इस चिन माउंट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके खरीद लीजिएगा। तो इसको लगाने के लिए ये पहले चिन माउंट चाहिएगा, फिर ये जो आप हुक देख रहे हैं ये हुक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये दो साइड से लग सकती है, आप अगर आप चाहे नीचे से लगाना चाहे तो एक टक की आवाज आएगी। मैं आपको थोड़ा क्लोज आके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इसको पकड़ा और मैंने देखिए ये टक्की आवाज आई, ये अटक गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ आप अपना एक्शन कैमरा लगाइए, अगर आपको इसको एंगल थोड़ा चेंज करना है आप इसको ऊपर से भी लगा सकते हैं। आप पकड़िए और इसका ऊपर से भी, अगर आपको और थोड़ा एक्शन कैमरा की हाइट बढ़ानी है तो आप ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करना चाहते हैं इसको। तो अब इसमें मैं अपना एक्शन कैमरा लगा के दिखाता हूँ आपको। इसको रखते हैं साइड में। इसके लिए मुझे नीड पड़ेगी दो माउंट की जो इसके साथ ही आए हैं। पहला माउंट है ये जो इस एक्शन कैमरा के साथ ही आया है, और दूसरा माउंट है ये स्क्रू जो, ठीक है। तो पहले इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करना मैंने आपको बता ही दिया आपको उसको कैसे कनेक्ट करना है। ये इंस्टा का जो ये कैमरे का जो आइकन है ये आगे आएगा और एक कट सी आवाज आएगी, आप इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो देखिए कट सी ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लगा लेते हैं, पहले कैमरे को ऑफ जरूर कर लीजिएगा सो दैट सेटिंग ना बिगड़े। अब इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, ये फिक्स कर दिया हमने। तो अब इसके साथ इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं ये स्क्रू को यहाँ इंसर्ट करूंगा और उसको मैं टाइट करूंगा। जो भी एक्शन कैमरा का एंगल हो उसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से टाइट जरूर कर लीजिएगा सो दैट जब भी आप व्लॉगिंग कर रहे हो, मोटो व्लॉगिंग, अगर गड्ढे बम बम आती है तो जैसे हमारा हेलमेट हिलता है तो ये एक्शन कैमरा का एंगल ना चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं मेरा एक्शन कैमरा इसमें फिट हो गया। ये एंगल सबसे बेस्ट होता है मोटो व्लॉगिंग के लिए। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, आप मुझे देख के बताइएगा। और अच्छा लगा ये सेटअप तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा है ये माउंट और ये बहुत स्टडी, बहुत अच्छा है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लास्टिक यूज किया गया है, जितने भी स्क्रूज हैं बहुत अच्छे टाइट है और आराम से आपके एक्शन कैमरा को होल्ड कर लेगा। तो ये था पूरा देखिए सेटअप। बाकी इसकी जो मेन एक्सेसरीज है इसका माइक अडेप्टर वो सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये जो दो चीजें इसके साथ आई हैं वो किस लिए आई है मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको एक्शन कैमरा यहाँ लगाना है तो यहाँ भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। अगर आपको एक्शन कैमरा ऊपर लगाना है तो आप इसको, ये 3mm की टेप है, आप इसको पीछे स्टिक कीजिए और ये यहाँ चिपक जाएगा। आपको यहाँ चिपकाना है, ऊपर से भी एंगल ले सकते हैं, आपको साइड से चिपकाना है, यहाँ चिपकाना है या यहाँ चिपकाना है, ये दोनों तरह से चिपका के। तो सेम यही माउंट इसमें भी लग जाएगा, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगा और ये माउंट प्रेस हो गया। अब आपको ऊपर रखना है इसको, ऊपर रखिए, साइड में लेना है साइड में रखिए, जहां आपको मन करे वो रखिए। ये एक बोनस एक्सेसरीज इसके साथ आती है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो इस एक्शन कैमरा के बारे में। आई होप आपको ये एक्शन कैमरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसका लिंक, खरीदने का लिंक, अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके सीधा वहां से परचेज कर सकते हैं। और जो भी मैंने एक्सेसरीज बताई हैं अभी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके सीधा परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते फिर ऐसी किसी और वीडियो में, टिल देन राइड सेफ स्टे सेफ और हाँ हेलमेट पहन के गाड़ी जरूर चलाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।